in the previous video we discussed uh, question number 10 of exercise 2.5 in this video we discuss question number 11 and 12 of exercise 2.5 which is very important questions for paper point of view so let's start our questions क्वेश्चन नंबर अलेवन है बच्चे हमारे पास वो कह रहा है कि शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्ल टू वाई ओवर एक्स इफ़ वाई एक्स इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई वाई शो दैट मीन कि आप लोगों ने प्रूव दैट करना है क्या प्रूव करना है कि आपके पास जो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा वाई ओवर एक्स की इक्वल आएगा ठीक है अगर आपके पास वाई ओवर एक्स किस इक्वल है टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई के इक्वल है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि इस एक्स को दूसरी साइड पर ले जाना है ठीक है ये वाला एक्स जो है ना इस साइड पे ले आना है तो आपके पास ऐसे आ जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई ठीक है ऐसे आ जाएगा तो अब हम क्या लिखेंगे डिफ्रेंशियट कर देंगे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे अब क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज हैं एक एक्स है टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्योंकि दो आपस में क्या हो रहा है इन पर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स एक वैसे ही डी ओवर डी ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स वैसे ही टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई वैसे ही और डी ओवर डी एक्स लेंगे हम लोग एक्स का डी डी ओवर डी एक्स मीन के डेरिवेटिव एक्स का क्यों क्योंकि एक ए, पहले हम लोगों ने x को वैसे ही रखा था दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव लिया था भाई दूसरी वैल्यू वैसे ही और फर्स्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया ठीक है अब देखें x वैसे ही आ जाएगा टेन इनवर्स का अगर हम डेरिवेटिव ले तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है उसका डायरीवेटिव वन प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्यर तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स है ठीक है तो हम इसका स्क्वेयर लेंगे वन वन प्लस एक्स का स्क्यर एंड वाई का स्क्वेयर हम डायरेक्ट ही यहाँ पे खोल लेते हैं ठीक है और साथ में क्या अब एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई ठीक है इसको आप डी वाई ओवर एक्स भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं एंगल का डेरिवेटिव देन प्लस यहीं पे लिख लेते हैं प्लस क्योंकि ये तो वन हो जाएगा जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा टेन इनवर्स रह जाएगा टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई रह गया ठीक है अब देखें ये वाला वाई का स्क्र यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे एल सी एम सो एक्स ऊपर वैसे ही और ये वाला वाई का चले यहां पे हम एक स्टेप कर लेते हैं वाई का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर ओवर में वाई का स्क्वेयर डॉट अब यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल y का स्क्वायर y वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव वन आएगा माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डी डी ओवर डी एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई अब टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई क्या है आपके पास ये मैंने इस पे कॉशन रूल गाया है y का स्क्वायर y डॉट 1 x वैसे ही और dy ओवर dx ठीक है अब tan इनवर्स x y तो tan इनवर्स x y किसके इक्वल है y ओवर x के तो हम इसकी जगह पे सिंपली लिख देंगे y ओवर में x ठीक है अब ये वाला y का स्क्वायर जो है ना इसको आपने ऊपर लेके चले जाना है इस x के पास तो ये आपके पास आ जाएगा x वाई का स्क्वेयर ओवर में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वेयर डॉट ये वाई वैसे ही माइनस एक्स डी वाई ओवर में डी एक्स और ओवर में इन पूरे ओवर में क्या था वाई का स्क्वेयर प्लस वाई ओवर एक्स वैसे ही अब देखिए ये वाई का स्क्वेयर और ये वाई का स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएंगे बाकी हमारे पास वैल्यू जो रहेगी वो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं y का स्क्यर बच्चे कैंसिल कर दिया था जस्ट x का x x का स्क्यर प्लस y का स्क्यर y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स रह गया था ये y प्लस y ओवर x वैसे ही आ गया था हमारे पास ठीक है अब हम इसको आ, क्या करेंगे मजीद सॉल्व करेंगे इस x को ना हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर दे, ब्रैकेट्स के साथ ठीक है तो क्या आएगा x y ओवर में x का स्क्र प्लस y का स्क्यर डॉट सॉरी माइनस इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर ओवर में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वेयर डी वाई ओवर में डी ऑफ एक्स इज इक्वल नहीं है यहाँ पे प्लस है प्लस वाई ओवर में एक्स ठीक हो गया देन यहाँ पे भी हमारे पास डी वाई और साथ में डी ऑफ एक्स है तो ये डी वाई और डी एक्स और ये डी वाई और डी एक्स सेम है तो हम इनको एक साइड पे ले आएंगे ठीक है डी वाई ओवर में डी एक्स और यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का होके एक्स का स्क्यर ओवर में एक्स का स्क्र प्लस वाई का स्क्यर डी वाई ओवर में डी ऑफ एक्स इस इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स का स्क्र प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस वाई ओवर में एक्स ठीक है अब यहाँ से डी वाई और डी एक्स कॉमन ले लें इस वाले स्टेप में ठीक है यहाँ से डी वाई ओवर में डी ऑफ एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रहा वन प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ठीक है और अब यहाँ से आप लोग वाई को कॉमन ले लें दोनों में वाई है इसमें भी है इसमें भी है यहाँ पे क्या रहा एक्स ओवर में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स क्योंकि वाई हम लोग कॉमन ले चुके हैं अब यहाँ पे एल ले लेंगे पता भी चल रहा है सिंपली सिंपल से क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स का स्क्यर प्लस वाई का स्क्यर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें एक्स का स्क्यर प्लस वाई का स्क्यर प्लस एक्स का स्क्र यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज और डी वाई एंड डी ऑफ एक्स ठीक है और देन यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे भी हम लोग एल ले लेंगे एक्स एक्स का स्क्र प्लस वाई का स्क्वेयर इस पूरी वैल्यू को अंदर रखेंगे इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक्स इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्र प्लस इस पूरी वैल्यू को अंदर रखा इस पर डिवाइड किया इस वाले एक्स पे तो एक्स के साथ एक्स कट जाएगा जस्ट ये वाली वैल्यू रह जाएगी एक्स का स्क्यर प्लस वाई का स्केयर इस वैल्यू को वन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये वाई और इस x को बाहर निकाल देते हैं बाकी टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वेयर वैसे ही ओवर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वेयर वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर में डी ओफ एक्स एंड टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वेयर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वेयर अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम सेम है तो हम इनको कट सक कट कर सकते हैं तो इसलिए हम इसको और इसको कट कर देंगे ठीक है अगर आप इसको यहाँ पे भी लेके आए तो फिर भी आपको पता चलेगा कि कैंसिल हो जाएंगे एंड इसलिए हम लोगों ने ये पे कैंसिल कर दिया और हमारा डी वाई ओवर में डी किसके इक्वल आया वाई ओवर एक्स के इक्वल आ गया तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था क्वेश्चन में हमारे हमें यही लिमिट्स दी गई थी उन्होंने क्या कहा था कि आप लोगों ने प्रूव करना है कि आपके पास डी वाई और डी एक्स किसके इक्वल होगा वाई ओवर एक्स के इक्वल होगा ठीक है अगर आपके पास ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया एंड पे आप लोगों ने लिख देना है कि हैंस प्रूव्ड ये प्रूवड हो चुका है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अलेवन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वो क्या कह रहा है कि वाई इसके इक्वल है ठीक है आप लोगों ने प्रूव करना है कि अगर आप एक वैल्यू आएगी जो किसके इक्वल होगी जीरो की इक्वल होगी तो हमें क्वेश्चन उसने ये दिया है देन हम लोगों ने प्रूव ये करना है तो हम क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इज़ इक्वल्स टू टेन पी टेन इनवर्स ऑफ एक्स तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस को यहाँ पे ले आना है ठीक है ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए तो हम टेन अगर इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा टेन इनवर्स वाई हो जाएगा यहाँ पे पी टेन inverse ऑफ एक्स आएगा ठीक है ऐसे बनने के बाद देन आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या जिसके हिसाब से आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है वो आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है या सिंपली आप लोग यहाँ पे लिख दें कि टेक टेकिंग डेरीवेटिव ऑन बोथ साइड्स टेकिंग डेरीवेटिव ऑन बोथ साइड्स ठीक है तो टेन इनवर्स वाई का हमें पता है कि क्या होता है फार्मूला अगर हम डेरिवेटिव लें तो वन वन प्लस एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है वाई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर देन हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते होते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा वाई है तो डी वाई ओ डी एक्स आएगा तो उसकी जगह पर हम सिंपली लिख लेते हैं वाई ऑफ वन यहाँ पर हमारा पी पी है तो पी वैसे ही आएगा और टेन इनवर्स का क्या आएगा वन वन प्लस एक्स का स्क्वायर प्री कॉन्स्टेंट है इसलिए वैसे लिख दिया अच्छा एन इनवर्स का क्या आएगा वन वन प्लस एक्स का स्क्वायर और एंगल इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वन आएगा ठीक है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आ जाएगी इसकी फॉर्म वन प्लस एक्स का स्क्वायर वाई वन ओवर वन प्लस वाई का स्क्वायर तो यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें चाहे तो चाहे तो आप इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें इसको इधर लेके मल्टीप्लाई करवा दें तो हम क्रॉस uh, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एक्स का स्क्र इज इक्वल्स टू पी वन प्लस वाई का स्क्वेयर अब आप लोगों ने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कि इस वैल्यू को सारी को इस दूसरी साइड पे ले आना है ठीक है एक साइड पे uh, लेके चले जाना है या वाई वाली साइड पे ले आते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स का स्क्र वाई वन माइनस पी वन प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव हमने लोगों ये प्रूव करना था कि आपके वन प्लस एक्स का स्क्वेयर वाई वन माइनस पी वन प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग